अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बताइए पठान का विरोध क्यों हो रहा है? अगवा कलर की बिकनी में दीपिका को नचाना कितना जायज है? तक बेशर्म रंग गाने की बात है, तो वो भगवा कलर बेशर्म रंग ऐसा नाम लेके तो नहीं बताया गया है ना। दीपिका पादुकोण के बिकनी पर हो रहा है, कितने छोटे कपड़े पहन ली है इसलिए हो रहा है क्या? सेंसर में भी जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए होते हैं, जब उन्होंने पास किया है तो उन्हें भी ये कलर दिखाई होगा वहाँ पे। अच्छा दिया जाए ताकि जो है आपस में ही लोग विरोध करें और मूवी हिट हो जाए। नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अभी हमारे साथ वही शाहरुख खान है जिनकी पठान फिल्म का विरोध जो है बहुत जोर शोर से हो रहा है। कोई कह रहा है कि अगर थिएटर में पठान लगेगी तो थिएटर फूंक देंगे, कोई कह रहा है कि जो है पाकिस्तान भेज देंगे, तो कोई कह रहा है भगवा कलर पहनकर दीपिका पादुकोण को नचाया है तो दीपिका पादुकोण को जेएनयू में भेज देंगे। तमाम लोग, तमाम मुंह, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया है कि विरोध किस लिए हो रहा है। पठान मूवी का हो रहा है या शाहरुख खान का हो रहा है या दीपिका पादुकोण का हो रहा है या बेशर्म रंग शब्द का हो रहा है या फिर जो है उनकी बिकनी पर हो रहा है या फिर अश्लीलता पर हो रहा है या फिर देह पर हो रहा है या फिर भगवा कलर का हो रहा है, समझ नहीं आया। जितने लोग उतनी मुंह बातें। अभी हमारे साथ जो शाहरुख खान है, इनको बिहार का शाहरुख खान कहा जाता है, शाहरुख खान के हम शक्ल हैं और बहुत सारे बच्चे लोग इनको शाहरुख खान समझ कर यहाँ पर देखने भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। शाहरुख खान लग रहे हैं क्या? यस हाँ, शाहरुख खान लग रहे हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, ये बताइए विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पे हमारा इंटरव्यू सेकंड टाइम चल रहा है, तो सभी का एक बार फिर से मेरा आदाब प्रणाम सलाम सत श्री अकाल नमस्कार दोस्तों। आई एम लुक लाइक ऑफ एसआर के एक्टर बॉलीवुड, माय इंस्टा आईडी IAAM एसआर के सोनू, जो फॉलो मी ओके। और कभी कभी मेरा भी भला सोचो यार, इनका भला होगा तब बिहार का भला होगा। भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी का शाहरुख खान इन्हें कहा जाता है। बहुत सारा स्टेज शो भी करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं और पवन सिंह इनको जो है अपने स्टेज पर बुला लेते हैं, तो इनका वैल्यू क्या है ये समझिए आप लोग। बिहार का शाहरुख खान कहा जाता है आपको, बताइए पठान का विरोध क्यों हो रहा है? अब ये तो उन्हें पता है जो विरोध कर रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंसर ने इनको पास किया है, तो फिर विरोध की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अच्छा, तो सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि भगवा कलर की बिकनी में दीपिका को नचाना कितना जायज है? देखिए अगर हम कलर को लेकर बात करते हैं, कलर को लेकर अगर हम बात करते हैं तो फिर जिस कलर को हम सम्मान देते हैं, भगवा कलर की बात है, अगर हम इस कलर को सम्मान दे रहे हैं, इसको सम्मानित कर रहे हैं, तो इस कलर को हर जगह से सम्मान मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है फिल्म इंडस्ट्री से ही, है कि नहीं? क्योंकि ये हमारा धर्म से अगर जुड़ा हुआ है तो इस कलर का बहुत सारे वस्तु बनता है, बहुत सारे चीज बनते हैं। और फिल्म में तो खैर उनको दर्शाया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है कि ये चलो फिल्म में ये कॉस्ट्यूम पहन करके अगर वो वर्क कर रही है तो वो लोग उसको देख पा रहे हैं, लेकिन अदर महिला भी, अदर जेंट्स भी और पब्लिक भी जो है ना उस कलर को बहुत यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोग यूज करते हैं तो बेशर्म रंग नहीं बताया जाता है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर भगवा कलर आता है वहीं पर बेशर्म रंग कह दिया जाता है। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जहाँ तक बेशर्म रंग गाने की बात है, तो वो भगवा कलर बेशर्म रंग ऐसा नाम लेके तो नहीं बताया गया है ना, ये पॉइंट की बात है। वो एक गाना है, मतलब एक सॉन्ग है, और सॉन्ग बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, मतलब ऐसा एक सॉन्ग है, तो वो कलर को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। तो विरोध किस चीज का हो रहा है? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज को आप जो है ना इस छोटी सी बात के कलर को जो है ना धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि धर्म का मर्तबा उसका जो है बहुत बड़ा मर्तबा है, और धर्म जो है ना इन छोटी छोटी चीजों से उसका तुलना मत कीजिए, क्योंकि धर्म का अलग ही दर्जा है। अच्छा तो विरोध क्यों हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? दीपिका पादुकोण के बिकनी पर हो रहा है, कितने छोटे कपड़े पहन ली हैं इसलिए हो रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के ये जो फिल्म आ रही है पठान, इस फिल्म को लोग हिट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए अब सेंसर ने इस चीज़ को पास कर दिया है, तो मेरे ख्याल से विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है
उनके नजर में भी भगवा कलर को उतना ही सम्मान है जितना हम पब्लिक को है, है कि नहीं? तो जब गवर्नमेंट सेंसर से पास हुआ है, सेंसर में भी जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए होते हैं, जब उन्होंने पास किया है तो उन्हें भी ये कलर दिखाई होगा वहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताइए, जो है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। कहा गया है कि जिस फिल्म जिस थिएटर में लगेगी, महंत हैं अयोध्या के राजू दास जी, उन्होंने कहा जिस थिएटर में लगेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर थिएटर में ये फिल्म जिस थिएटर में लगे उस थिएटर को हम लोग फूंक देंगे। क्या लगता है फूंका जाएगा थिएटर? अभी क्या है, सभी का अपना अपना सोच है, हर किसी की अपनी एक जो है आज़ाद है, सभी लोग आज़ाद है, जो जो जिनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। लेकिन क्या है कि एक डायलॉग है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फिल्म जो भी आ रही है उसके ऊपर में, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है इस चीज को जो है विरोध के हिसाब से मत देखिए और इस चीज पे आवाज मत उठाइए आप लोग। जिस समझ में आज तक हमें नहीं आया कि क्या अश्लीलता का विरोध हो रहा है या अर्धनग्न कपड़ों का विरोध हो रहा है या शाहरुख को रहा है या दीपिका का या फिल्म का या कलर का या रंग का, मुझे आज तक नहीं पता चला। बस तुम लोग उलझे रह गए और हमारी टीम जो है कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप में खेल भी नहीं रही है और वहां पर जाकर दीपिका पादुकोण चमचमाती हुई ट्रॉफी को चूमती है और ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की और इसके बाद जो है वो ग्रैंड तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और पठान मूवी का प्रमोशन जाकर कतर में जाकर जो है ग्रैंड एंट्री करके जो है पठान का प्रमोशन करते हैं। तो क्या कुवैत वाले पगला गए हैं या जो है भारत के लोग जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध जानबूझकर कर रहे हैं? अभी देखिए विरोध कर रहे हैं ये इनकी जो है सोच है, या तो सोची समझी रणनीति हो सकती है कि इस तरीके का रख दिया जाए ताकि जो है आपस में ही लोग विरोध करें और मूवी हिट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या हम बताएं, ये सब की अपनी अपनी सोच है। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस एक्टर का आप जो है ना जिस स्टार का विरोध कर रहे हैं, आज वही स्टार आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो इंडिया का हमारा नाम हो रहा है, है कि नहीं? या फिर बांग्लादेश का थोड़ी हो रहा है, या फिर पाकिस्तान का थोड़ी हो रहा है, या फिर चीन जापान का थोड़ी हो रहा है। दीपिका इतने छोटे कपड़ों में आपको अच्छी लग रही थी क्या? यार मैंने कपड़े को देखा ही नहीं। अच्छा, यार तो फिर अच्छा बताइए अच्छी लग रही, सही सही बताइएगा। देखिए हम जो है ना उस चीज को सिर्फ एक एक्टिंग के हिसाब से देखते हैं। अच्छा मान लीजिए कपड़ा दीपिका ने पहन रखा है भगवा कलर का और इसके बाद उन्होंने छोटा कपड़ा पहन रखा है, जनरेटर वो चला रही है अपनी कमर से, तो शाहरुख खान का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए ये तो सबकी नजरिया की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट्यूम दिया जाता है आर्टिस्टों को, वो आर्टिस्ट खुद चॉइस नहीं करते हैं कि हमको इस सीन में ये कॉस्ट्यूम को पहनना है या फिर इस सीन में जो है ना मुझे ऐसा करना है। वो क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर होता है एंड कॉस्ट्यूम डायरेक्टर होते हैं और एक डायरेक्टर होते हैं, उनके मुताबिक सारा कॉस्ट्यूम जो है ना सीन बाई सीन आर्टिस्टों को दिया जाता है और वो जो है उसको यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए शाहरुख खान की जो है, आप मान लीजिए मेरे सामने आप रियल शाहरुख खान खड़े हैं, पठान मूवी का विरोध हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मान लीजिए हम तो यही कहना चाहेंगे जनता से कि अभी आप लोग जो है आपस में भाईचारा बना कर रखें और कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, रंग बिगड़ने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है। तो शाहरुख खान सर ने यही कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम का रंग बिगड़ने वाला है, क्या बोला था? नहीं नहीं उन्होंने ऐसा बोला है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है। वाह, ताली बजाइए इनके लिए एक बार, बस एक बार। असले शाहरुख खान का विरोध हो या ना विरोध हो, असले शाहरुख खान क्या कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार के लाल हैं और ये काफी नाम कमा रहे हैं, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या तमाम इंडस्ट्री में जाकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनका सहयोग होना चाहिए। अच्छा शाहरुख खान जी का कोई एक डायलॉग सुना दीजिए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती हुई अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है
जान जब तक है जान। वाह, और गाना भी सुनाते हैं। अरे यार तुझे देखा तो है जाना सनम, पीछे हमारे सरसों के खेत दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये भाई लोग कहाँ से आ गए? ओके, ऐसी बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और हालांकि विरोध अगर दीपिका पादुकोण का हो रहा है तो सही है, क्यों? क्योंकि इतने छोटे कपड़े पहनकर नाच रही है दीपिका पादुकोण और छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल में देखते हैं तो उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, अश्लीलता फैलाया जाएगा, तो मैं विरोध करूंगा। आज कपड़ा छोटा कपड़ा पहन के नाच रही है और इसके बाद जो है कल विरोध नहीं हुआ, आज विरोध नहीं हुआ तो कल नंगे नाचने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं दोष हमारा होगा, इसलिए विरोध भी जरूरी है। अश्लीलता से कहीं ना कहीं दूर ऊपर उठकर हमको विरोध करना चाहिए। अश्लीलता सच में अगर उन्होंने किया है तो इसका विरोध होना चाहिए। दीपिका पादुकोण ने छोटे कपड़े पहना है और ये आजकल के जो कलाकार है ना, ये जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और जो एक कस्टम डायरेक्टर है, कपड़ा वाले जो डायरेक्टर है, उनको लगता है कि छोटा कपड़ा पहना के हम नचा देंगे तो थिएटर में जाके छोटा कपड़ा देखने के लिए लोग थिएटर में लाइन लगाएगा और फिल्म हमारी हिट हो जाएगी। लेकिन सर आप गलत सोचते हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि बिना पैसा दिए हुए बिना थिएटर में गए ही आजकल उससे भी छोटा कपड़ा पहन के जो है लड़कियां इंस्टाग्राम में फ्री में रील बना रही हैं और आप सोते हुए रजाई के अंदर जो है उस रील को देख सकते हैं उससे भी छोटा कपड़ा पहन के। तो भूल जाइए कि छोटा कपड़ा पहनाकर अगर आप किसी हीरोइन को नचवाइएगा तो आपकी मूवी हिट हो जाएगी, ये मानसिकता निकाल दीजिए। क्योंकि अब छोटा कपड़ा थिएटर में नहीं, अब तो पोर्न भी जो है नंगे जो है वो कहीं ना कहीं पूरा यूट्यूब और जो है इसके बाद सोशल मीडिया पर आ जाता है ना सर, है या नहीं? अच्छा नंगा करा के जो ये लोग हिट करवाना चाहते हैं कि मतलब छोटा कपड़ा पहना देंगे तो लोग अट्रैक्टिव होगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं डायरेक्टर साहब ने सोचा कि दीपिका पादुकोण को दो ही कपड़ा दे देते हैं तो लोग ज्यादा आएगा देखने के लिए कि कैसा दिखती है दीपिका पादुकोण दो कपड़ों में? नहीं, इससे पहले भी और भी फिल्में आई है दीपिका की, तो और भी कई एक्ट्रेस है जो कि परफॉर्मेंस किया है तो शॉर्ट ड्रेस पहनकर उन्होंने किया है। बट क्या है कि आर्टिस्टों को जो है कैरेक्टर निभाना पड़ता है, सारा कुछ जो होता है वो डायरेक्टर के हिसाब में होता है, समझे, सीन के मुताबिक उनको जो है ना देना पड़ता है शॉट। चलिए आप हमसे जुड़े और आपका उज्ज्वल भविष्य आपको, और हाँ वो लोग जो सक्षम है वो भी इस बिहार के लाल को तरासने का काम करें। सच बात तो यही है कि ये भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार है और अगर इनको मौका मिलेगा तो ये बिहार का नाम जरूर रोशन करेंगे। जो है आप हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड लव यू एवरीवन। मैं सभी YouTube भी आपका? हाँ, मेरा YouTube चैनल है जूनियर शाहरुख एंटरटेनमेंट के नाम से, Instagram पे IAA में सर के सोनू इस पे है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।